जिससे 93 और 77 को भाग देने पर क्रमशः शेष पर 3 और 5 बचे, ठीक है। तो सबसे पहले जो संख्या दी हुई है 93, ठीक है, उसमें से शेष पर 3 बच रहे हैं, हमें माइनस कर देने हैं। 93 में 3 माइनस करोगे बचेंगे 90, ऐसे इसमें 77 से माइनस 5 करेंगे, ठीक है, 72 बचेंगे। इन दो संख्याओं का हम लासा निकालेंगे, ठीक है, इधर 90 लिखो, 90 का निकाल लो, माफ करना, 100 से कटेगा तो 8 बचेगा, 1 बढ़ाएंगे 10 तो 5 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 कम 3 5 15, मेरे 3 कटेगा 5 15 ये काम हो गया, 5 कम 5, ठीक है। ऐसे ये जो 77 है इसका भी मान निकालेंगे, 72 दो से काटो तो 6 बचेगा, 1 हो जाएंगे 12 तो संग 12, फिर दो से कट जाएगा, दो से हाँ कट जाएगा, दो एक कम दो बचा, 1 हो गया 16, दो छः 16, फिर दो से काटो दो 18, अब 1 3 से कटेगा, 3 और 3 एक कम 3। अब ध्यान देना यहाँ पर जो दोनों में जो संख्या कॉमन होगी, जो गुणन जो गुणन खंड निकल के आए हैं दोनों में, ठीक है, जो कॉमन होंगे वही लिख लेंगे, ये दो लिख के आए, ये लिख लो दो, ठीक है, इधर ये तीन तो इन्हें एक बार लिख लो, ये तीन है और ये तीन है तो इन्हें एक बार लिख लो, ठीक है, और 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 18, क्या ऐसे कर लो, 9 9 18, इसका जो मास आ